मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो का। दोस्तों, आज मैं आपको राजमा बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। और राजमा तो सभी को बहुत ही पसंद आता है, तो राजमा को मैंने रात भर पानी में भिगा दिया था। कम से कम 5 से 6 घंटे हमें इसे पानी में भिगा कर रखना है। अच्छे बढ़िया पानी में फूल जाते हैं तो पकने में कम टाइम लगता है। इसे बघारने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, हरी मिर्च ली है, कुछ खड़े मसाले लिए हैं दोस्तों, जिसमें लौंग ली है मैंने, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, मीठे नीम की कुछ पत्तियाँ ली हैं और साथ ही साथ लहसुन की कुछ कलियाँ ली, 10 से 15। तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को हम क्रश करेंगे और प्याज को भी हम बढ़िया अच्छा पीस लेंगे। तो सबसे पहले राजमा को हम उबलने रखते हैं। तो कुकर में मैंने राजमा को डाल दिया दोस्तों, जितना राजमा है उससे डबल हमें पानी रखना है। तो राजमा को यदि हम 6-7 घंटे तक पानी में भिगाते हैं तो इसे पकने में कम टाइम लगता है, और जल्दी अगर बना लेते हैं 1 घंटा भिगा कर तो बहुत लंबा टाइम लगता है राजमा को पकने में। तो बस दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो राजमा हमने कुकर में डाल दिया है इसमें ही हम कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे दोस्तों। 2-3 मैंने इसमें तेज पत्ता डाल दिया है, साथ ही ये जो लहसुन की कलियाँ हैं दोस्तों, लहसुन की कलियों को हमें बारीक बारीक काट कर इसमें डालना है। इससे इस राजमा में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, कुछ खड़े मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं उबलते में ही, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। 1 सूखी लाल मिर्ची डाल दी है, तो 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हमें इसमें डालना है। साथ ही अब राजमा में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक। तो दोस्तों, नमक डालने से राजमा जल्दी पकता है। कोई भी अनाज जब हम नमक डालकर पकाते हैं तो कुकिंग का जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है। साथ ही थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और बस अब हम इसे उबलने रखेंगे। 2 हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा चटपटा ही राजमा अच्छा लगता है। यदि आपके पास इस समय करी लीव्स है तो आप ज़रूर डालें, इससे राजमा में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब इसे इसमें मैं 3 सीटी बजा लूँगी। इस बीच प्याज को मैंने बढ़िया अच्छा पीस लिया है, इसी में मैंने लहसुन और अदरक भी डाल दिया था। कुछ खड़े मसाले जो मैंने लिए हैं दोस्तों, उसे हमें पीसना नहीं है, हल्का सा मोटा मोटा क्रश करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है खलबत्ता, खलबत्ते में 4 लौंग, 4 बड़ी इलायची ली, 4 काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। तो बस अच्छा बढ़िया इसे मोटा मोटा ही हमें क्रश करना है। और बस राजमा उबल चुका है दोस्तों, जिसे मैंने दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है और बघार के लिए वही कुकर लिया है। तो कुकर में 1 बड़े चम्मच तेल डाला है, तेज पत्ते को मैंने 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया है और वह डाला है, 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें जीरा डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और साथ ही इसमें मैंने डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी ही राजमा अच्छा लगता है। अदरक लहसुन जिसे मैंने क्रश किया था उसे भी मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। तो बढ़िया लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है दोस्तों, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। खड़े मसाले जो मैंने लिए थे, काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची जिसे मैंने कूट लिया, उसे भी मैंने बढ़िया अच्छे गर्म तेल में डाल दिया। इससे मसाले में और भी बढ़िया स्वाद आता है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ 2 प्याज, और प्याज डालने के बाद आपको इसे बढ़िया अच्छा सुनहरा कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, धीमी आंच पर ही हमें मसालों को बढ़िया अच्छा चलाते हुए भूनना है। जितना बढ़िया हम भूनते हैं उतना बढ़िया हमारी सब्जी में, दाल में, राजमा में स्वाद आता है। तो अब आप देख सकते हैं प्याज की रंगत बदल गई है और मसालों में से तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो बस इस समय अब हमें डालना है इस मसाले में कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में दोस्तों, मैंने इसमें डाला है 1/2 छोटी चम्मच से कम नमक, 1/2 छोटी चम्मच से कम हल्दी डाला है, क्योंकि नमक हल्दी मैंने राजमा को उबालते समय भी डाल दिया था। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और बढ़िया अच्छा मसाले में सभी इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया भून चुका है, तेल अलग होने लगा है, और अब हमें इसमें डालना है उबले हुए राजमा। तो राजमा अच्छी तरह से पक चुके हैं, 3 सीटी में नहीं होता है तो दोस्तों आप चाहें तो 4 सीटी भी बजा सकते हैं। तो ये देखिए, अब आपको कम से कम 10 मिनट तक धीमी आंच पर आपको राजमा को बहुत अच्छी तरह से पकाना है, ताकि अच्छा इसमें गाढ़ापन आ जाए और सभी मसालों का स्वाद इसमें आ जाए।
अब यहाँ पर हम डालेंगे एक बड़े चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। हमने कुछ खड़े मसालों को कूट कर भी डाला है क्योंकि राजमा थोड़ा मसालेदार ही अच्छा लगता है। तो अब आप देख सकते हैं गरम मसाला डालने के बाद कम से कम 10 मिनट मैंने धीमी आंच पर इसे अच्छा उबाल लिया है, बढ़िया अच्छा गाढ़ापन आ गया। थोड़ा सा मैं चम्मच की सहायता से कुछ दानों को मैं दबा दे रही हूँ ताकि और भी बढ़िया इसमें गाढ़ापन आ जाए। तो ये हमारा गर्मा गर्म राजमा बनकर तैयार है। रोटी के साथ खाएं दोस्तों, चावल के साथ खाएं, यकीन मानिए बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। बस गरम गरम राजमा में आपको डालना है बटर। अगर अभी बटर नहीं है दोस्तों तो आप घी डालें, परंतु बटर या घी जरूर डालें, इससे राजमा का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैंने बनाया है राजमा चावल, तो बढ़िया गरम गरम चावल आप देख रहे हैं, चावल में से भी बढ़िया अच्छी भाप निकल रही है। गरम गरम चावल और राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है। राजमा तो वैसे दोस्तों चावल के साथ ही अच्छा लगता है। एक बड़े चम्मच चावल में मैं देसी घी डाल रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप भी राजमा चावल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।